गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज जो है हमारा यहाँ पर लास्ट डे, आज हम चेकआउट करने वाले हैं। तो अभी हम पहले नाश्ता करने आ गए हैं। तो नाश्ते में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ है, तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने अभी क्या क्या लिया है। तो अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। तो हमने होटल से चेकआउट कर लिया था, उसके बाद में हमने सोचा कि कहीं पर भी हम लंच के लिए गाड़ी नहीं रोकेंगे, तो हमने होटल से सैंडविच बच्चों के लिए पैक करवा लिया था। एंड सोचा कि बीकानेर वाला बीच में आएगा तो वहाँ से हम अपने लिए स्नैक्स वगैरह जो है थोड़ा बहुत कुछ आफ्टरनून के लंच के लिए हम पैक करवा लेंगे, ताकि हमें कहीं पर भी रुकना ना पड़े और थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाए एंड टाइमली घर पे पहुंच जाया जाए। क्योंकि बारिश का मौसम था एंड शाम हो जाती है, तो बारिश के मौसम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। यहाँ पर इस साइड में ये पिस्ता हाउस है, जहाँ से मोस्टली हम बिरयानी लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है यहाँ की बिरयानी। तो हमने बीकानेर वाला से कुछ स्नैक्स पैक करवाए थे, तो 3:15 हो चुके हैं, 3:30 बजने वाले हैं। तो जस्ट हम थोड़ा सा स्नैक्स लेने वाले हैं। तो क्या क्या लिया है हमने, थोड़ा सा ही लिया है। ये एक वेज पफ टाइप से पिज़्ज़ा पफ है, कि वेज पफ है, पनीर पफ आई थिंक, एंड ये समोसा है। एंड पीछे जो है वो सैंडविच चल रहा है। पर हमने अपना जो भी स्नैक्स वगैरह था खाना तो गाड़ी में ही हमने खा लिया, बिकॉज कहीं रुकना ना पड़े इसी चक्कर में। मौसम आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा था, पूरा क्लाउडी क्लाउडी एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अभी हम रुक गए हैं एक नर्सरी में, थोड़े प्लांट्स वगैरह हमने खरीदे एंड बहुत ही अच्छे प्लांट्स यहाँ पर हमें मिले हैं, इंडोर एंड आउटडोर काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनके पास में। ये कैक्टस आप देख सकते हैं, कितने प्यारे प्यारे कैक्टस के प्लांट्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमने कुछ प्लांट्स वगैरह परचेज किए, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी लास्ट में। तो बहुत सारे प्लांट्स लिए हैं यहाँ पर, मैं क्या क्या यहाँ पर वैरायटी है तो वो मैं आपको जल्द दिखा रही हूँ। और इसके बाद में हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। तो अभी हम बीच में रुके हैं बिरयानी लेने के लिए, तो हमने सोचा कुछ नई बिरयानी ट्राई की जाए। मैंने पिस्ता हाउस की बिरयानी ट्राई की हुई है एंड पैराडाइज की बिरयानी भी मैं खाई हुई हूँ। तो ये मैं मोस्टली हैदराबाद से जब भी ट्रिप होता है तो पिस्ता हाउस की एंड पैराडाइज की बिरयानी टेस्ट मेरी की हुई है काफ़ी बार। तो मैंने सोचा इस बार कोई और बिरयानी ट्राई करें हैदराबाद की। तो यहाँ पर हम यहाँ किंग्स फैमिली ढाबा में, मतलब यहाँ पर हमने गाड़ी रोकी है, यहाँ पर हम वेज बिरयानी लेने वाले हैं, बिकॉज रात के लिए हम पैक करवा के लेके जा रहे हैं। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ, तो यहाँ से हम पैक करवा के लेके जाने वाले हैं बिरयानी, बिकॉज नया ट्राई करने का कुछ मन में था कि बिरयानी हैदराबाद की ट्राई करनी है, नई बिरयानी ट्राई की जाए। तो यहाँ पर हमने ये चॉकलेट पान भी लिया इसी जगह से, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एंड नेक्स्ट हमने अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू की। ये कुछ प्लांट्स है, तो ये दूसरे दिन का मैं आपको सुबह का दिखा रही हूँ। तो ये प्लांट्स जो है ये हमने परचेज किए थे वहाँ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ एंड हैदराबाद का ट्रिप भी यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको ये ब्लॉग्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये ब्लॉग्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।